देखो, जब तुम मेहनत कर रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो कोई तुम्हारे साथ नहीं होंगे, कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। इतिहास गवाह है दोस्त कि संघर्ष में आदमी अकेला ही होता है। लेकिन वही जब तुम कामयाब हो जाओगे तो दूर के रिश्ते भी पास होने लगते हैं और तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी वैल्यू पहले से 10 गुना बेटर होगा। लेकिन इसके लिए अभी तुम्हें संघर्ष की इस भट्टी में खुद को तपाना होगा मेरे भाई, खुद को तपाना होगा। गायब हो जाओ कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ दिनों के लिए। गायब हो जाओ हर एक की नज़रों से, ताकि तुम जब भी बाहर की दुनिया में वापस कदम रखो तो तुम्हारी कामयाबी देखकर दंग रह जाए। अगर अपने पिता को बादशाह वाली इज्जत दिलाना है, अपने पिता का सर हमेशा ऊंचा देखना है, तो आज तुम्हें सर झुकाकर मेहनत करना ही होगा। आज के डेट में माँ बाप इसलिए भी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं कि उनके बच्चे समय पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जो पैसे माँ बाप के इलाज में जाना चाहिए था, वो पैसे आज आपकी पढ़ाई के फी में जा रहा है। और दुख की बात तो ये है कि आप अभी भी अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पाए हो, क्योंकि आप आज अगर समझ जाते तो इस हीरे जैसे बहुमूल्य समय को यूं ही नहीं गवाते। आज और इसी वक्त प्रण करो कि तुम्हें अपने लिए ना सही, लेकिन अपने उस बूढ़े माँ बाप के लिए कामयाब होना है। आज आप जितने भी IAS IPS देख रहे हो, एक दिन वो भी तुम्हारी तरह एक कमरे में बंद होकर हर पार्टी, हर फंक्शन, हर त्योहारों का त्याग किए हैं, तभी वो जाकर आज इस मुकाम पे है। सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज़ नहीं है दोस्त, इसके लिए कई रातें कुर्बान करनी होती है। इसलिए आप अपना बहुमूल्य समय और मेहनत मजदूरी से कमाया गया माँ बाप का वो पैसा यूं ही बर्बाद मत करो। अरे कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? बढ़कर आगे अब चमत्कार करना ही होगा। केवल सोचने से मंजिल पास नहीं आती दोस्त, उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना ही होगा। चल उठ, नींद त्याग, आलस्य त्याग और मेहनत कर।